नाम राधिका बंसल, जन्म तिथि 7 मार्च 1998। देखते और कौन कौन है। हाँ, ये तो इनके पापा जी हैं, रंजीत अग्रवाल। अरे वाह, इनकी तो मिठाई की दुकान है। इसे तो बहुत जल्दी मिलना पड़ेगा, फिर तो हम आराम से बैठ के मुफ्त में मिठाइयाँ खाएंगे। उनके पापा के बारे में पढ़ रहे थे, पर इनकी माता जी फोन करने लग गई। हम राधिका जी की मम्मी से बात करके क्या ही करेंगे, काट देते हैं। अरे फोन का ही कट कर दिया, फिर से लगाते हैं। ये इनकी मम्मी भी ना घर के काम में बिजी हो गई। हम एक काम करते हैं, हम मैसेज करके बता देते हैं कि हम वहां पर आ रहे हैं, जिससे वो अपनी सास को भी बता दे। राधिका। अब जी जी दिवंग जी। फाइनली, मेरा नाम तो याद रहेगा तुम्हें। अच्छा राधिका, वैसे मैं प्लान कर रहा था कि आज रात को डिनर के लिए जाते हैं, एक रोमांटिक डेट पे। सच्ची? मतलब हम वो होटल में जाएंगे? हाँ राधिका, मतलब रोमांटिक डिनर करने के लिए तो रेस्टोरेंट में ही जाना पड़ेगा ना, ढाबे पे तो जा नहीं सकते। दिव्यन बेटा। जी पापा। मुझे तुमसे कुछ काम था। कहिए ना। मैंने एक लोकल फूड कंपनी के साथ काम करने की बात की है, ताकि कानपुर के देहात में भी बंसल फूड का नाम हो सके और हमारा बिजनेस और फैल सके। बहुत अच्छा सोचा पापा। हाँ बेटा, इसीलिए तुम्हें आज ही रामपुर जाना होगा। वहाँ जाके ऑर्गेनाइजर से मिल लो और एक अच्छा सा फूड कंपटीशन रख लो। इसी बहाने उस इलाके की मार्केट भी देख लोगे। लेकिन याद रहे, मुझे फूड कंपटीशन जल्द से जल्द रखवाना है। ठीक है बाबा, मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी के अभी निकलता हूँ। हाँ, ये लो ऑर्गेनाइजर का कार्ड। रामपुर, ठीक है बाबा। ध्यान से जाना बेटा। राधिका, आज का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। देखता हूँ, अगर मैं वक्त से आ गया तो हम लोग जाएंगे डिनर पे, वरना फिर कभी जाएंगे। ठीक है धनंजय जी। वैसे तुम्हारे पतिदेव काम करने के लिए इतनी तपती हुई धूप में बाहर जा रहे, तो एक हक तो मिलना चाहिए ना। जी? कुछ नहीं, मैं काम के लिए निकलता हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब क्या सोच रहे हैं, हमें तो अपने काम पर ध्यान देना है। ये लीजिए, चाय पीजिए दीपक जी। डब्बा अब ये कहाँ रखा हुआ है? पता नहीं राधिका इतना अजीब सा बर्ताव क्यों कर रही है, सारे ही काम उल्टे सीधे कर रही है। यहाँ तक कि घर पे आग लगा दी उसने और मेरा नाम भूल गई। उसने जब गले से लगाया ना, तभी भी बड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे वो मेरी राधिका है ही नहीं। मेरी राधिका नहीं है तो फिर
मेरी राधिका गई कहां पे? तुम एक बड़ी बीमारी का मतलब इतनी पतली हो चुकी है, बहुत कमजोर है, ब्लड उस तक पहुंच नहीं पा रहा, इसका कोई इलाज नहीं। आई लव यू दशम जी। आई लव यू टू राधिका। हम दोनों के बीच में आज के बाद से दूरियां नहीं होंगी। हमारा प्यार यूं ही बना रहेगा, हमारा साथ राधिका यूं ही बना रहेगा। हम कहां हैं, कहां जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी ने हमें कहा था कि हम किसी आश्रम में जाकर रहें, पर हम कौन से आश्रम में जाएं? हमें नहीं पता ये कौन सा गांव है और हम कहां पर हैं, लेकिन अगर भोलेनाथ हमें यहां पर रुकने का इशारा दे रहे हैं तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। जाके सुकून मिला, बिना बीड़ी का एक दो कश मारे तो सांस ही नहीं आ रही थी। एक काम करते हैं, जल्दी से एक दो कश और लगा लेते हैं। अब ये बुढ़िया कौन है? राधिका बेटा। बेटा लगता है उस राधिका की कोई रिश्तेदार है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? राधिका ये बीड़ी की बदबू कहाँ से आ रही है? तूने तो कहीं बीड़ी नहीं पी। दैया रे दैया, इस बुढ़िया की नाक तो कुत्ते से भी ज्यादा तेज है, फट से महक पहचान ली इसने। इससे पहले कि ये घर में हमारी पोल खोल के बवाल मचाए, हमें कुछ करना होगा। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हैं आप? हम और बीड़ी? नहीं 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 नहीं, वो दरअसल माली भैया है ना, वो बीड़ी पी रहे थे, हम तो बस उनसे छीन कर फेंक रहे थे। बदबू तो तुम्हारे मुंह से आ रही है। तुम कब से पीने लगी बीड़ी? अरे आप ये सब छोड़िए, आप अंदर चलिए, इतनी धूप से आई है ना, चलिए। अरे बेटा सुनो हमारी बात। अरे हमें कुछ नहीं सुनना है, आप अंदर तो चलिए, आइए चलिए। राधिका लेकर चलिए, आइए आइए। अरे बेटा कहाँ की लेकर जा रही है, तेरा कमरा तो उस तरफ है। अरे ये वाला भी बहुत अच्छा। अरे राधिका, हे देवी माँ, हम अपना परिवार, अपने देवन जी को छोड़कर आपकी शरण में आए हैं। अब हमारी किस्मत आपके हाथों में है, आप हमें जिस रास्ते पे चलाएंगी हम उस पे चलेंगे। हमारी सिर्फ इतनी उम्मीद है कि हमारे पीछे से हमारे देवन जी खुद को संभालें। पता नहीं इस वक्त वो किस हाल में होंगे। We'll be right back.
इसमें लिखा तो हुआ है कि प्लॉट नंबर 58। ये प्लॉट नंबर 58 है कहां पर? जी नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? जी हम तुकाराम, वो यहाँ के लोकल फूड डिस्ट्रीब्यूटर। आपके पापा ने बताया नहीं आपको? तुकाराम जी, डरा दिया आपने मुझको। अच्छा तुकाराम जी, अच्छा हुआ आप मिल गए, आप ही को ढूंढ रहा था मैं। ये प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे है बताइए। चलिए, वेरी गुड, काम शुरू। वहाँ पे पक्का? नहीं नहीं, शायद ऊपर। आप कह रहे हैं कि जमीन हवा में? कैसी बातें कर रहे हैं आप तुकाराम जी? आप यहाँ पे रहते हो, आपको पता नहीं कि कहाँ पे प्लॉट नंबर 58? माफ कीजिए सर जी, वो दरअसल ना हमें भूलने की बीमारी है, तो याद नहीं रहता कि दाएं था, बाएं था, वहां था या ऊपर था। सुजाता जी, दादी माँ। राधिका, किसको बंद करके रखा है? अरे कोई दरवाजा तो खोलो। ये तो देवरानी जी की मम्मी की आवाज है, पर इन्हें स्टोर रूम में किसने बंद कर दिया? देवरानी जी, आपने बंद किया है कि अपनी मम्मी को अंदर? हमारी मम्मी का इसने वो किताब नहीं पढ़ी, एक नंबर की नालायक है। ये क्या मजाक है? दरवाजा खोलो और अपनी मम्मी जी को बाहर निकालो। ये क्यों स्टोर रूम में बंद करके रखा उन्हें? राधिका मजाक कर रही है। राधिका बेटा, तुम आजकल वीडियोस देख करके बहुत ज्यादा मजाक मस्ती करना सीख गई हो। हाँ अबू, आजकल क्या ओ आते रहते वीडियोस में, प्रैंक। हाँ हाँ, वही 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 प्रैंक प्रैंक, वही क्या जिसमें अपने रिश्तेदारों को कमरे में बंद करके उन्हें भूतों से डराते हैं, वही वाला? हाँ हाँ, वही वही वही। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, हम भी करेंगे, बड़ा मजा आएगा। इतनी अपनी बकवास बंद करो, कोई प्रैंक नहीं होगा। राधिका, अभी के अभी दरवाजा खोलो और उन्हें बाहर निकालो। खोल दिया तो कहीं वो बीड़ी वाली बात सबको ना बता दे। यहाँ तो कोई भी आश्रम नजर नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ मंदिर में ही बैठ जाते हैं। दरअसल अनुराधा जी, आपकी बेटी आपके साथ प्रैंक कर रही थी। हमारा कहने का मतलब है मजाक कर रही थी, वो आपको कमरे में बंद करके डराना चाह रही थी। आजकल राधिका बहुत ज्यादा मजाकिया हो गई है। हाँ राधिका, तू कब से ऐसा मजाक करने लगी? हाँ हमारा तो दिल ही घबरा गया था। हमने ना अब टीवी में देखा था मम्मी, इसलिए। और वो बीड़ी वाली बात? क्या? बीड़ी? अब वो भी मजाक का ही हिस्सा था, आपको डराने के लिए राधिका आपके साथ प्रैंक कर रही थी।
राधिका, ये फालतू के मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर के कामों में गड़बड़ी करके ये वाहियात मजाक करती हो। घर के कामों में गड़बड़ी? राधिका ये क्या कह रहे हैं? अब क्या किया तूने? नहीं नहीं अनुराधा जी, ऐसी भी कोई खास बात नहीं है। हम है ना, हम सब संभाल लेंगे, आप परेशान मत होइए। वैसे आप आज अचानक इधर आ गई, ऐसे कैसे? सुजाता जी, हम आम की पेटी लेकर आए थे। वो आम आए थे ना, इसलिए हमने इसे मैसेज भी किया था, लेकिन शायद उसने देखा नहीं होगा, सोचा आकर दे देंगे। अच्छा। और हाँ, ये मेरे साथ भी लेकर आए थे। ले बेटा, ये साथ चलेगी। हाँ बाय हाथ से, सीधे हाथ से ले। अच्छा सुजाता जी, हम चलते हैं। जी ठीक है, नमस्ते, बाय। आज राधिका कुछ बदली बदली सी लग रही थी। ना पापा और दादी के बारे में पूछा और ना ही हमारा हाल पूछा। ऊपर से वो बीड़ी और कमरे में बंद करने वाला मजाक। लेकिन साथ ही राधिका आज खुश लग रही थी। खैर, बच्ची खुश है, इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। सर क्या खुजा रहे हैं तुकाराम जी, मुझे लगा था कि मुझे आपसे कुछ मदद मिलेगी, आप तो किसी काम के ही नहीं। आपको पता ही नहीं प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे, अब कहाँ से ढूंढेंगे हम, कैसे पता चलेगा कि जमीन कहाँ पे, कोई दिखाई भी नहीं दे रहा यहाँ पे यार। कोई तो है, एक काम करता हूँ, उनसे जाके पूछता हूँ। ठीक है, आप देखिए, आप यहीं रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। ठीक है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राधिका मेरे आसपास है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि दिव्यम जी हमारे आसपास है? क्या ये सब सिर्फ हमारा एक वहम है? ना दिव्यम, राधिका यहाँ कैसे हो सकती है? वो घर पर है, लगता है तू उसे कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। एक काम कर, जल्दी से यहाँ काम खत्म कर और घर पहुंच। सुनिए, दिव्यम जी, हमें ऐसा क्यों लगा जैसे दिव्यम जी आए थे, पर वो यहाँ पर क्यों आएंगे? कहीं वो हमें ढूंढते हुए तो नहीं आए? बेटा
ये प्लॉट नंबर 58 कहाँ पे? उस गली के पीछे है प्लॉट। उस गली के पीछे है प्लॉट, ठीक है, थैंक यू। ये तुम्हारा नाम क्या बेटा? बिट्टू। बिट्टू, तुम बहुत क्यूट हो बिट्टू, थैंक यू। वेलकम अंकल। अंकल ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। ये लो, ये इमली वाली कैंडी है, मेरी वाइफ की फेवरेट है, तुम्हें भी बहुत अच्छी लगेगी। ओके थैंक यू अंकल। सर जी, अंकल सर जी, याद आ गया। याद आ गया? हाँ, वो देखिए। हाँ वो, हाँ सर, कल कंपटीशन के लिए बढ़िया रहेगा ना? परफेक्ट। हाँ चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। चलो तुकाराम, यहाँ नहीं, कहाँ जाना बिट्टू? वाह परफेक्ट। चल हमें तो बहुत भूख लग रही है, एक काम करते हैं, माची ने जो पैसे दिए उससे जाकर कुछ खा लेते हैं। ये लो। आपके लिए। इनकी कैंडी हमारे लिए? हाँ, आपको भूख लगी है ना, लो खा लो। ये तो हमारी मनपसंद है। आपकी भी मनपसंद है? आपकी भी मतलब तुम्हारी भी मनपसंद है? नहीं वो अंकल,